परसों चांची प्रखंड के नेहरो पंचायत के महिला एवं पुरुषों ने नशा के विरोध में जोरदार आंदोलन किया। इस नशा विरोधी आंदोलन को सफल बनाने के लिए तोप चांची क्षेत्र संख्या 2 के जिला परिषद सदस्य एवं 1932 के आंदोलन में पूरे भारत साइकिल के माध्यम से भ्रमण करने वाले विकास महतो एवं राजगंज को प्रखंड बनाओ के आंदोलन करने वाले हल्दर महतो और साथ ही साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं राष्ट्रीय विकास मंच के उपाध्यक्ष गिरिजा शंकर उपाध्याय जी से हमारे स्टार सिटीज 24 के संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मैं तोपचांची प्रखंड के नेहरो पंचायत में हूँ और यहाँ पे नशा मुक्त अभियान चलाए हैं यहाँ के ग्रामीण वासियों ने, यहाँ के महिलाओं ने, यहाँ के नौजुवकों ने। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक शख्स है, वो है 1932 का खेतान के आंदोलन में साइकिल से पूरे देश में भ्रमण किया है, और हमारे साथ है जिला परिषद 2 के हमारे विकास दा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्टार सिटी की तरफ से बहुत धन्यवाद और आप सभी को स्वागत है। आज नशा मुक्ति अभियान में आए हैं, क्या कहेंगे? बस आज सभा में देखे और जो माहौल देखे, जो नारी सशक्तिकरण और यहाँ के ग्रामीण लोगों का जो एकजुटता देखें, मुझे मानना है कि अगर इसी एकजुटता के साथ ये जो पहल आगे आंदोलन बढ़ता है और आज के अगर युवा पीढ़ी जो इस मुहिम को समझते हैं तो बहुत जल्दी एक नया बदलाव का नींव रखा जाएगा और कहीं ना कहीं आने वाला समाज और आने वाला जो जनरेशन है उन्हीं के हाथों में है, उन्हीं युवा शक्ति के हाथों में है। तो उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो समाज के लिए अच्छी हैं या बुराई हैं, उन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं उन्हें समझना चाहिए ज़रूर। चलिए, कहीं ना कहीं विकास भाई ने बोला कि आगे भी ऐसे करना चाहिए। अभी हमारे नेहरो पंचायत के बगल वाला एक पंचायत है जो ब्राह्मणिया पंचायत है, वहाँ के मुखिया भी हैं। आइए हम उन्हें से भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ पहल किया नेहरो पंचायत के, क्या आगे भी आप अपने पंचायत में इस तरह का आंदोलन कर सकते हैं, क्या कहेंगे विवेक जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहादुर दा। और हमको नेहरो पंचायत में देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चिंगारी लग चुकी है, और इस चिंगारी को देखते हुए हमको लगता है ब्राह्मणिया पंचायत भी बहुत जल्द वहाँ पर भी इस तरह का आंदोलन स्टार्ट होगा और पूरा प्रखंड हमारे समाज को बचाने का पूरा कार्य करेगा। चलिए, इसका कहना है कि हम लोग ये पंचायतवाज नहीं, पूरा प्रखंड के स्तर पर ही हम लोग ये आंदोलन करेंगे। बहुत ही अच्छा। चलिए, हम यहाँ नेहरो को पंचायत के जो मुखिया हैं हमारे उमेश जी, क्या कहेंगे उमेश जी? हम थोड़ा उमेश जी से जानने का प्रयास करेंगे। उमेश जी, क्या कहेंगे? नमस्कार बहादुर जी। कहीं ना कहीं यहाँ जो ग्रामीणों को और विशेष करके महिलाओं को नशाखोरी के चलते समस्याएं आती थे, जो हम महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये जो अभियान चला रहे हैं बहुत सही है। आज देर सही, लेकिन अभियान चला जरूर है। तो उनको समस्या था, वो समस्या को आगे लेकर के आए और अभियान चला रहे हैं। अभियान से यदि माहौल सही होता है तो ठीक है, और यदि नहीं होता है तो इससे आगे हमको महिला का समस्या लेकर आगे जाना होगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये समस्या बहुत ही दुष्परिणाम बढ़ते जा रहा है दिनों दिन, इससे हमें शिक्षा का माहौल में और डेवलपमेंट के माहौल में बाधित बहुत ज़्यादा नशा से होता है। इसका कहने का मतलब है कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर इसको आगे बढ़ाना है, नशा मुक्त को हमको ख़त्म करना है। हमारे एक भाई है विकास महतो जो अभी जिला परिषद 2 तोपचांची से हैं, आइए हम जानने का प्रयास करें। और जिन लोगों ने शराब का सेवन करते हैं उन लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि जो शराब छोड़ दें और समाज को आगे ले जाएं। आज समाज कहाँ पे हैं हम लोग, इस तरह से सारे लोगों को, यहाँ के जितने हैं जो बनाते भी हैं उनको इसका रोज़गार नहीं माने, रोज़गार के लिए सरकार भी जो है फूलो जानो योजना चला रहे हैं, इस तरह से उसको छोड़ें और शराब से यहाँ मुक्त कराएं पूरा नेहरो पंचायत को। आपका एक आंदोलन चल रहा है कि राजगंज को प्रखंड बनाओ अभियान, कहाँ तक सफल हो पाया अभी तक? ये देखिए, राजगंज का प्रखंड बनाओ अभियान ये महिला लोग ही वहाँ से चला रही है। उसका हम लोग पहले हम लोग रोड ये किए, फिर अभी पूरा दीवार लिखन का कार्यक्रम किए, प्रत्येक दीवार में लिखा गया ये राजगंज को प्रखंड बनाओ है। फिर अभी एक पोस्ट कार्ड के द्वारा मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा रहा है जे राजगंज को प्रखंड बनाए। तमाम घर वाणी देवी के नेतृत्व में जो है कि जा रहे हैं और महिला लोग जो है कि मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड द्वारा 1.5 लाख पोस्ट कार्ड भेजेंगे। चलिए, आपने देखा कि हल्दरदा का सपोर्टिंग रहेगा महिलाओं के द्वारा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, और जैसे हमारे बहुत तरह के बोले हैं कि मशरूम के माध्यम से हो चाहे, और बहुत ऐसा चीज़ है जो छोटी छोटी उद्योग के माध्यम से अगर इन लोग का संगठन बनेगा तो दादा के सहयोग रहेगा और आगे भी इन लोगों को प्रोत्साहन करने का काम करेंगे। मैं बहादुर राय, स्टार सिटी 24। नमस्कार, जोहार।